नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेवल 3 इमरजेंसी के बारे में। हमने लेवल 1 पढ़ लिया, 2 भी पढ़ लिया और आज लास्ट लेवल है लेवल 3 के बारे में। आज हम जानेंगे लेवल 1 और 2 हमारा फाइनल हो गया है, आज 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ, लेवल 3 के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले जब लेवल ऑफ इमरजेंसी के बारे में वीडियो डाली थी उस दिन मैंने बताया भी था कि जो लेवल ये 3 है, अब 3 नहीं है, 3 हटके मात्र 2 ही हो गए हैं। और 2 कैसे हुए हैं? जो 2 नंबर था वो 1 नंबर पे आ गया है और 1 को ख़त्म कर दिया गया है, और जो 3 नंबर था वो जाके 2 नंबर पे हो गया, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है ERDMP के अकॉर्डिंग, एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये OISD 116 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे आज वो बात करेंगे लेवल 3 के बारे में, ठीक है। लेवल 1, 2 और 3। तो लेवल 3 इमरजेंसी क्या होती है? लेवल 3 इमरजेंसी वो होती है जो किसी प्लांट के अंदर फायर होती है, किसी कंपनी या किसी यूनिट प्लांट के अंदर जो फायर होती है, तो एक यूनिट से निकल करके एक यूनिट में पहले आग लगी और वो आग कंट्रोल नहीं हुई, हमारी पूरी मैन पावर भी वहाँ पे आ गई, सारे फायर के इक्विपमेंट भी हमने चला रखे लेकिन आग कंट्रोल नहीं हो रही है और इससे निकल के दूसरी में और घुस गई, ठीक है। अब जैसे यहां से इसमें एंटर कर गई तो वो लेवल 3 में पहुंच गई, क्योंकि अब जब ये ही कंट्रोल नहीं होती इसको कैसे कंट्रोल कर लेंगे, अब ये और ज्यादा बढ़ने लगी। साथ में ये तो हो गया, इसके साथ साथ में कंपनी की जो चारदीवारी है उसके बाहर भी वन्य प्राणी, जीव जंतु, खेती बाड़ी, पर्यावरण को जो इफेक्ट करते हैं, जिस इमरजेंसी के दौरान इफेक्ट होता है या उसको वह पर्यावरण को प्रदूषित करता है, नदी तालाबों के पानी को दूषित करता है, वहाँ के आसपास की खेती बाड़ी को इफेक्ट करता है, वहाँ के जीव जंतु को इफेक्ट करता है, बहुत सारी मात्रा में जान माल की हानि होती है बहुत सारे लोगों का। अब इतनी बड़ी फायर होगी तो रोजगार भी जाएगा, सभी को पता है जब कंपनी नहीं बचेगी तो रोजगार कैसे बचेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा लेवल होता है ये लेवल 3 में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब इसके दौरान क्या होता है, हमारे जितनी मैन पावर होती है वो तो हमने लगाई ली, साथ में जो लोकल फायर सर्विस होती है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आती है उसकी भी हमें जरूरत पड़ रही है, हमें वहाँ की पुलिस फोर्स की भी जरूरत पड़ रही है, वहाँ की डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमने बुला लिया, NDMA जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमने उसको भी बुला लिया है, और वहाँ का DC कलेक्टर, CFO वगैरह सब वहाँ पे अभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब वो लेवल 3 में कंसीडर हो जाती है। लेवल 3 में कंसीडर होने के बाद ही ये सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है, जब एक यूनिट से निकल के दूसरी यूनिट में भी आग पकड़ लेती है और इससे खतरा होता है आसपास के एरिया को अफेक्ट होने के, जीव जंतु खेती बाड़ी को, तो क्या होता है जो वहाँ का जो अथॉरिटी ऑथराइज पर्सन और CFO या फायर मैनेजर होता है वो फायर कंट्रोल रूम को मैसेज देता है, फायर कंट्रोल रूम कि इस तरह की यहाँ पे इमरजेंसी हुई, तो फायर कंट्रोल रूम का ये उसके साथ में बैकअप में भी बंदा रहता है, वो ही वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज है उनको कॉल करके बुलाता है, और वहाँ के जो सीनियर पर्सन हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट प्लान है वो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के DC कलेक्टर, NDMA सब वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमें बाहर की जब जरूरत पड़ती है तो लेवल 3 में ही कंसीडर होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके साइज का सायरन कोड क्या होता है, तो इसका जो सायरन कोड है लेवल 3 इमरजेंसी का सायरन कोड है वो 8 मिनट वेलिंग साउंड है, 8 मिनट वेलिंग साउंड है,
अब ये साउंड कैसे बजता है उसके बारे में जानेंगे। तो 8 मिनट तक सायरन बजाया जाता है लेवल 3 इमरजेंसी में। अब वो 8 मिनट तक कैसे बजता है, वो वेलिंग साउंड होता है, लगातार नहीं बजता है, और उसका जो फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 मिनट तक ऑन रहेगा, 1 मिनट के लिए ऑफ हो जाएगा। कैसे, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2 मिनट तक ऑन रहेगा, उसके बाद 1 मिनट के लिए ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 मिनट ऑन रहेगा, फिर 1 मिनट के लिए ऑफ हो जाएगा, फिर 2 मिनट के लिए ऑन होके फिर परमानेंटली ऑफ हो जाता है। ठीक है, दोबारा समझेंगे। 2 मिनट के लिए ऑन रहेगा, 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा, फिर 2 मिनट के लिए ऑन होगा, फिर 1 मिनट के लिए ऑफ होगा, फिर 2 मिनट के लिए ऑन होगा, और उसके बाद फिर परमानेंटली ऑफ हो जाता है। अब टोटल ड्यूरेशन देखिए, मैंने आपको बताया 8 मिनट तक वेलिंग साउंड बजेगा, 2, 4, 6, 7 और 8, ठीक है, 7 और 8, तो टोटल 8 मिनट तक वेलिंग साउंड बजेगा। ये होता है लेवल 2 इमरजेंसी का। और इस इमरजेंसी में जब सायरन बजता है तो जितने भी प्लांट के अंदर कर्मचारी होते हैं उन सभी को ये मैसेज दे दिया जाता है कि प्लांट के अंदर बहुत ही मेजर फायर हुए, बड़ी फायर हुई है, आप लोग किसी भी सेफ जोन से बाहर निकल जाइए। अब आप कहीं पे भी जाना, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके मिनिमम 2 गेट मिलेंगे आपको। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम की नहीं। मैक्सिमम तो लोकेशन के अकॉर्डिंग 4, 6, 8, 10 जितने मर्जी बना लो, लेकिन मिनिमम 2 होते हैं। ठीक है, अब वो 2 क्यों बनाए जाते हैं, जब इमरजेंसी होती है तो 1 गेट को इस तरह छोड़ दिया जाता है कि जितने भी बाहर के ऑथराइज पर्सन आएंगे, जितने बाहर के टेंडर की हमें जरूरत पड़ रही है, फायर टेंडर की, या जितने पुलिस डिपार्टमेंट, NDA, NRF जो भी आएगा, सब का सब वो 1 गेट से एंट्री करेगा। और 1 गेट जो है वो इतने डिस्टेंस में बनाया जाएगा कि वहां से जो कंपनी के अंदर लेबर है, जो कर्मचारी है, वो सेफ जोन से बाहर निकल के अपने सेफ जोन में पहुंच जाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी इंडस्ट्री में, आप ये चीज हमेशा ध्यान करना, आपको 1 गेट मिलेगा ही नहीं, 1 से ज्यादा ही मिलेंगे, 2 भी हो सकते, 3 भी 4 भी, वो लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो वो दूसरे वाला जो गेट होता है वो इसलिए होता है कि जब यहाँ पे बाहर की अथॉरिटी एंट्री करेगी, फायर टेंडर, पुलिस वगैरह, तो उसी गेट से तो गाड़ियां घुस रही है, उसी गेट से, क्योंकि भगदड़ मच जाती, सब अपनी जान बचाने की सोचते हैं, कोई भी लोग ये नहीं सोचता कि मैं किसी और को ही बचाऊं। और जो फायर ड्राइवर होता है वो भी अपने पूरे फोकस में होता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो उसी गेट से तो बंदे आ रहे हैं, उसी गेट से जा रहे हैं, इधर से तो गाड़ी आ रही, उधर से आदमी आ रहे, तो ठोक देंगे तो गाड़ी से मर जाएंगे, इतने आग से नहीं मरेंगे, इतने भगदड़ से। या जो मैंने जो वो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, उसके जो बैड मैनेजमेंट है, उसके कारण लोग मर जाएंगे, ना कि आग के कारण। तो जो दूसरे वाला गेट है वो इमरजेंसी गेट के नाम से डिस्प्ले किया जाता है, कोई करता है बट कोई नहीं करता, और नहीं करता तो वहाँ के लोगों को पता जरूर रहता है। अब ये जरूरी नहीं है, अब सपोज करो जो पीछे वाला है जो गेट, उधर से ही खोल दिया, मान लिया एक इधर वाला है और ये हम पहले इधर से जा रहे थे, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जाने लग गए तो लोगों को यहाँ से दूसरी और तरफ से सेफ जोन में निकाला जाएगा। तो ये था लेवल 3 के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।